नमस्ते, मैं मोना आपका मेरा चैनल देसी गर्ल एंड यूरोप में स्वागत करती हूँ। आज संडे है तो हम वेदर चेक करके निकले थे कि बहुत अच्छा वेदर है तो बहुत मज़ा आएगा, बाहर जाके कुछ दिखाते हैं आपको। लेकिन कुछ उल्टा ही हुआ, जैसे ही बाहर निकले, जब अभी जस्ट 15 मिनट पहले बहुत सारी बारिश हुई और हम यहाँ पास में एक कैफ़े हैं वहाँ जाके वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी और केक खाई। यहाँ पे जर्मनी में कल्चर है सब कॉफ़ी के साथ केक लेते हैं। मुझे भी पहले थोड़ा अजीब लगता था कि दोनों स्वीट एक साथ कैसे, मज़ा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे सब ऐसे ही करते हैं। और अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो ब्रिज जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी पीछे कैनाल में से बड़ी सीप आती है तो उसको जाने में आगे प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये ब्रिज यहाँ से ओपन हो जाता था। यहाँ ये दोनों जगह पे और यहाँ पे ये दोनों जगह पे कुछ मैकेनिज्म है, उसकी वजह से ये ब्रिज पूरा ओपन हो जाता, ऊपर हो जाता था। और यहाँ साइड में अगर कैनाल में से आगे बड़ी सीप आती है तो ये दूसरी जगह पे जाने में उसको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम आगे जाते हैं, मैं आपको सीप म्यूज़ियम दिखाती हूँ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था। और यहाँ पे पीछे एक कैफ़े है, बहुत ही अच्छा है। जब भी हम यहाँ वॉक के लिए आते हैं तो कई बार कॉफ़ी पीते हैं और केक खाते हैं, तो आज तो मजबूरन जाना पड़ा, बारिश हो गई। तो अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ उससे जिसके बारे में मैंने बात की थी। हम यहाँ कैफ़े में कई बार आते हैं और ये सिप देखते हैं, लेकिन हमने इसके बारे में कभी कुछ पढ़ा नहीं था कि ये क्या है, किस चीज़ के लिए यहाँ पे रखी है। लेकिन ये ब्लॉगिंग के पर्पज़ से कुछ बताती हूँ, शायद आगे मुझे मिले तो। अभी ये सिप के बारे में मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये सिप अराउंड 1900 के साल में बनी थी और इसको स्ट्रीमर बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था। और थोड़े समय के बाद इसका यूज़ कम हो गया तो यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ पे वैसे ही पड़ी रही थी तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको म्यूज़ियम जैसा रिकन्स्ट्रक्ट करके म्यूज़ियम जैसा बना दिया है। और यहाँ पे आगे एक चीज़ है जो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, और ये मैंने जो स्टीमर बताई ये उसका एंकर है। जब भी स्टीमर को डॉक करते हैं तभी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो चुका है इसीलिए। और यहाँ आगे भी दो तीन छोटी सीप है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अभी हमने जो देखी वो बहुत ही बड़ी थी, और यहाँ पे पीछे दो तीन सीप है वो उससे छोटी है। और यहाँ पे ये जो सीप है उसको एक्सकेवेटर बोलते हैं, जैसे हमें ज़मीन में गद्दा खोदने के लिए जैसे हम जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये सेम चीज़ नदी के लिए है, उसको एक्सकेवेटर बोलते हैं। ये 1900 के साल से है, मतलब यहाँ के लोग यूनिक मशीन बनाने के लिए बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे ऐसे 32 बकेट्स है, और वो मैंने यहाँ पे पढ़ा कि 4 मीटर उंडा वो गड्ढा खोद सकते हैं उससे। तो अभी जो मैंने आपको बोला कि जर्मनी उसकी यूनिक मशीन डिज़ाइन की वजह से फेमस है, तो ये उसका दूसरा एग्जांपल है। ये पीछे जो सीप है वो डाइविंग बोट है, मतलब ये पूरी पानी के अंदर चली जाती है, और इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए होता है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ उतनी डिटेल नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतनी बड़ी जो सबमरीन जैसे होती है जो पूरी पानी में चली जाती है, वैसी ही ये है जो पूरा पानी के अंदर जाती है।
आज मैं आपको अभी एस्केवेटर और सिप दिखाने के चक्कर में पूरी जम गई हूँ। सिर्फ 5 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ही ठंडा है और मैं मेरा हैंड ग्लव्स घर पे रखे आई हूँ जानबूझ के। तो अभी मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।